केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद मुरादाबाद हवाई अड्डे को एनओसी जारी कर दी है, जिसके बाद मुरादाबाद से हवाई उड़ानें शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद के लोगों को यहां से लंबे समय से हवाई उड़ानें शुरू होने का इंतजार था। बीच बीच में कई बार भारत सरकार के अधिकारी यहां आकर हवाई अड्डे के निर्माण और उसके तकनीकी पहलुओं की जांच करते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने मुरादाबाद के हवाई अड्डे को उड़ानों के लिए एनओसी दे दी है। इससे मुरादाबाद के कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यहाँ के निर्यातक विदेशी ग्राहकों को मुरादाबाद लाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते थे या फिर विदेशी ग्राहकों से मीटिंग के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था। हवाई उड़ानें शुरू होने से उस इलाके का विकास होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उसके मुताबिक इस क्षेत्र के हैंडीक्राफ्ट को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इलाके में रोजगार बढ़ेगा और कारोबार की नई ऊंचाइयाँ मिलने की उम्मीद है। देखिए, हम लोगों ने कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था राज्य सरकार की तरफ से, तो जो जानकारी प्राप्त हुई है कि DGCA ने उसको उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो अब इसको कमर्शियल फ्लाइट्स यहां से चलाने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द यहां से विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट हमारी शुरू हो जाएगी और उस दिशा में राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई चल रही है और जल्द ही आपको इस बारे में सकारात्मक खबरें हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हवाई पट्टी हमारी 100% कंप्लीट हो गई है, अब बिल्कुल फ्लाइट के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हमको ऐसे पार्टी न मिल जाए जो इस काम को करेंगी और उसका क्लियरेंस न हो जाए, तब तक अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं।